सभ्यसाची की मॉडल लग रही हो ना। काश, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये सभ्यसाची का लुक आप लोगों के लिए क्रिएट करा है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको किसी की शादी पे जाना हो, ऐसा मेकअप करना हो, ऐसी ज्वेलरी पहननी हो या ऐसा ओवर द टॉप हेयरडू करना हो, तो बस आपको इस वीडियो को देखना है। एंड बाय द वे, आई एम श्योर काफी सारे लोग मेरी तरह ऐसे होंगे जो सभ्यसाची की ना एक बारी बस लाइफ में मॉडल बनना चाहते हो, वो भी यही लुक पहन कर आराम से पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं भाई। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने सभ्यसाची की मॉडल का ये वाला लुक रिक्रिएट करा है, सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। सो सबसे पहले इस फोटोग्राफ को देख कर ये समझ लेते हैं कि हमारा लुक कैसे होने वाला है। अगर हम इस मॉडल को देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हेयर से। बहुत ही ओवर द टॉप हेयर स्टाइल है, रोजेज लगाए हुए हैं, बंस लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं मेकअप की। आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा डार्क है, छोटी सी बिंदी लगाई हुई है। आईज स्मोकी आईज है, ब्राउन और ब्लैक कलर की स्मोकी आईज है, डिफाइंड आईज है। और अगर कॉन्टोरिंग की बात करें तो डीप कॉन्टोरिंग है, बहुत ही लाइट बेस लगा रखा है। लिप्स भी बिल्कुल न्यूट कलर के हैं। और अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो बहुत ही ओवर द टॉप ज्वेलरी पहन रखी है, स्टैकिंग कर रखी है, हाथों में बैंगल्स भी बहुत सारे हैं, अंगूठियां भी बहुत सारी हैं। तो हम लोग मैक्सिमम जितना इस लुक को कॉपी कर सके, रिक्रिएट कर सके, हम वो करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बेस लगाएंगे। सभ्यसाची की मॉडल्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हर कलर की मॉडल्स हैं उनके पास, डीप कलर की, टैन कलर की, फेयर, मतलब हर कलर की उनके पास मॉडल्स हैं। तो मेरी स्किन थोड़ी सी टैन स्किन है और मैं बिल्कुल अपने कलर का फाउंडेशन लगाऊंगी, मीडियम कवरेज वाला। सो लेट्स स्टार्ट विद फाउंडेशन। और अब मैं जो ये फाउंडेशन है उसे अपने हाथ के बैक पे ले रही हूँ। बाय द वे, मैंने अपने फेस पर क्रीम अच्छे से लगा ली है, अपने फेस को प्राइम कर लिया है, उसके बाद ही मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, मीडियम कवरेज वाला। इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड का होना चाहिए, बस इसकी अच्छी कवरेज होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका स्किन टोन का होना चाहिए। मैंने दो फाउंडेशंस को मिक्स करा है एक अच्छी कवरेज लाने के लिए। आप कभी भी अपने नेक को बिल्कुल मत भूलिएगा, फाउंडेशन जरूर लगाना वहां पर, फाउंडेशन हो चाहे पाउडर हो कुछ भी हो, लेकिन नेक कभी भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। अभी एक बड़ा स्टिपलिंग ब्रश है और इससे मैं सब कुछ अच्छे से बफ आउट कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना हो। ओके, सो मेरा फाउंडेशन लग गया है, अब बारी है कंसीलर की। और अब मैं अपने अंडर आई कंसीलर को एक लूज पाउडर से सेट करूंगी। एक नॉर्मल ब्रश है, एक नॉर्मल सेटिंग पाउडर है, इसको मैं अपने अंडर आईज पर अच्छे से लगा रही हूँ। और अब बारी है मेरी फेवरेट फीचर आईज की। आईज में सिर्फ दो कलर इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्लैक और डार्क ब्राउन, और स्मोकी आईज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक नॉर्मल फ्लैट पेपर है, कोई बिल टैग है, उसको मैं अपने आईज पर ऐसे रखकर डार्क ब्राउन कलर लेकर एक विंग क्रिएट करूंगी। इसको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब कुछ स्मूथ करेंगे अभी। अब ये कि बड़ा फ्लफी ब्रश है, इससे जो भी एजेस है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और अब वही डार्क ब्राउन कलर लेकर उसी फ्लफी ब्रश में मैं अपनी क्रीज पर लगा रही हूँ और अब सबको ब्लेंड कर रही हूँ। आपको कितना डार्क या कितना एक्सट्रीम लुक चाहिए उसके हिसाब से आप अपने कलर के साथ बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। मैंने आईज़ के लिए भी सिर्फ दो ब्रशेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक नॉर्मल फ्लफी ब्रश है और एक ज़्यादा लार्ज फ्लफी ब्रश है।
अब ब्लैक कलर का काजल मैं अपने एक लाइनर की तरह लगाऊंगी अपने आईज पर और अब इसे स्मज आउट करूंगी। स्मोकी आईज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कोई पहले ब्लैक लगाना चाहता है, कोई पहले ब्राउन लगाना चाहता है, कोई एक्चुअली में स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है। मैं कभी पहले ब्लैक लगाकर फिर ब्राउन को स्मज करती हूँ, पहले कभी ब्राउन लगाकर फिर ब्लैक को स्मज करती हूँ। सो जो भी आपको अच्छा लगता हो। वापस काजल से उस लाइन को थोड़ा डार्क कर रही हूँ। और अब ब्लैक आई शेडो को लेकर जहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन लगाई है उस पर थोड़ा इसको ज़्यादा इंटेंसिफाई करूँगी। अब मैं यही लुक अपनी दूसरी आईज पर करूँगी। ओके, अब बारी है लोअर लैश की। सो इस पे अगेन बहुत ही ज़्यादा थिक आईलाइनर लगा रखा है। सो मैं काजल लेकर अपने वाटर लाइन पर और वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी और अब मैं वापस इस ब्रश को लेकर एक ब्राउन कलर लेऊंगी और इसको सब स्मज आउट करूंगी। और अब इस छोटे फ्लफी ब्रश में डार्क ब्राउन कलर लेकर मैं इसे अपने अंडर आईज पे लगाऊंगी। सो मेरी आईज कंप्लीट है। अब मैं लगाऊंगी आई लैशेज। ओके, अगर कोई भी फॉल आउट है तो अब वापस अपना थोड़ा सा फेस पाउडर, सेटिंग पाउडर लेकर कोई भी फॉल आउट जो है उसको हटा लीजिए। अब मैं अपने आई लैशेज लगा लूंगी ओके, आई लैशेज लग गए हैं। अब मैं अपने लोअर लैश पर थोड़ा मस्कारा लगाऊंगी। अब बारी है आईब्रोज की। अगर आप आईब्रोज को ध्यान से देखें तो वो सारी ऊपर वाली डायरेक्शन पर जा रही हैं और अपवर्ड्स जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर की हैं। सो मैं अपने आईब्रोज के लिए एक डार्क ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी। और अब एक स्पूली लेकर इसे अच्छे से फिल करूंगी। जितना भी बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा निकल गया आप उसकी टेंशन मत लीजिए। एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लेकर अपना फाउंडेशन उस पर लेकर आप कुछ भी जो चीज़ फॉल बाहर गिरी है, आईब्रोज से लाइन बाहर हुई है या इम्परफेक्ट है, उसको आप परफेक्ट कर सकते हैं। सो मेरी आईब्रोज भी रेडी है। अब बारी है कंटूरिंग की। कंटूरिंग के लिए कोई भी कंटूरिंग पाउडर लीजिए, आप ब्रश लीजिए एंड स्टार्ट कंटूरिंग। मुझे यूजुअली पसंद है अपने फोरहेड को भी कंटूर करना। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखें तो काफ़ी डीप कंटूरिंग हो रखी है और हाइलाइटिंग भी हो रखी है, तो हम वही करेंगे। सो मैं काफ़ी ज़्यादा यूजुअल से ज़्यादा कंटूरिंग कर रही हूँ। और अब मैं अपने नोज का कंटूरिंग करूंगी। सो एक फ्लैट ब्रश डन। ब्लशर मुझे नहीं लगता कि इस लुक के लिए मुझे ब्लशर की ज़रूरत है। अगर आपको लगाना है तो आप सॉफ्ट बेबी पिंक कलर का ब्लशर लगा सकते हैं, पर मैं इस लुक के लिए ब्लशर नहीं यूज़ करूँगी। इंस्टेड मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल ब्रॉन्जर ब्रश या कोई भी ब्रश लेकर।
और लिप्स के लिए मेरे पास एक लिपस्टिक ऑयल टाइप है जो बहुत अच्छा लगेगा इस लुक के साथ। आप कोई भी लाइट कलर का लिप कलर लगा सकते हैं। मेरे पास ये लिप ऑयल है जिसमें थोड़ा टिंट है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सो मेरा लुक ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि एक छोटी सी चीज़ बची है। अब आ रही है ज्वेलरी की। मैं ज्वेलरी पहनकर और अपना हेयर डू करके बस अभी लौटी।